हेलो एवरीवन फ्रॉम कोडिंग सो आज हम लोग ज़ोर ऑन सेगमेंट्स ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं लिंक यहां पे पड़ा है क्वेश्चन पे हमें करना क्या है तो ये देखते हैं ठीक है तो बेसिकली इस क्वेश्चन पे आपको एक, एक एरे पे पांच बंदे मिले हैं फोर टेन थ्री थर्टीन और सेवन ठीक है पांच टोटल बंदे थे और इनको इंडेक्सिंग भी दिया गया है वन से इंडेक्सिंग वन से स्टार्ट है ठीक है अब इसके रिगार्डिंग कुछ ऑपरेशन है ऑपरेशन हैं और क्वेरीज़ हैं ठीक है तो जो भी क्वेरी जो भी क्वेरी या ऑपरेशन वन से शुरू होता है और उसके आगे एल आर है तो बेसिकली आपको क्या करना है इस पर आपको लेफ्ट इंडेक्स से लेकर के राइट इंडेक्स तक सभी को जोड़ के बता देना है बस एल आर की वैल्यू दो चार है दो से चार तक सभी को जोड़ दो यहां पर टेन प्लस थ्री प्लस थर्टीन टेन प्लस सिक्सटीन ट्वेंटी सिक्स राइट इसके आंसर क्या है ट्वेंटी सिक्स पहला आंसर बिल्कुल करेक्ट है ठीक है अगला जो बंदा दो से तो जरूर हो रहा है दो के बाद एल आर और एक्स तो यहां पर बेसिकली आपको एल से आर तक बंदे को अपडेट करना है ठीक है यहां वन और थ्री है तो वन से थ्री तक अपडेट कैसे करना है अब तो अगर यहां पर करंटली ए पड़ा हुआ है किसी भी पोजिशन पे ए पड़ा है ठीक है तो इसको आपको अपडेट कर देना है ए जोर एक्स से ठीक है तो यहां पर अगर चार है तो इसको अपडेट कर देंगे फोर जोर और इस बार एक्स की वैल्यू इस क्वेरी पे तीन दी गई है ठीक है हर क्वेरी पे एक्स के डिफरेंट वैल्यू हो सकते हैं फोर जोर थ्री यहां पर टेन जोर थ्री और यहां पर थ्री जोर थ्री ठीक है ऐसा कुछ हो जाएगा तो एक बार इनके ज़ोर को भी कैलकुलेट कर लेते हैं एट फोर टू वन सबसे पहले फोर और थ्री को करते हैं तो फोर को हम कैसे लिख सकते हैं जीरो वन ज़ीरो ज़ीरो और थ्री को ज़ीरो ज़ीरो वन वन ठीक है इन दोनों का जोर कैसे होगा ये थ्री का है ज़ीरो वन जीरो ज़ीरो जोर ज़ीरो ज़ीरो वन वन ये वन 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 और जीरो बेसिकली होता है फोर प्लस टू प्लस वन सेवन होता है ठीक है ये सेवन की वैल्यू हो गई टेन थ्री तो टेन की बाइनरी वैल्यू क्या होती है एट प्लस टू राइट वन जीरो वन जीरो वन जीरो वन जीरो और थ्री का बाइनरी वैल्यू जीरो जीरो वन वन इसको टॉगल कर दो तो वन जीरो जीरो वन ठीक है वन जीरो जीरो वन होता है एट प्लस वन नाइन ये नाइन हो गया और थ्री थ्री ये जीरो हो जाएगा ठीक है पहला अपडेशन कंप्लीट हो गया आ, फिर अगेन दो से चार तक सभी को जोड़ के बताओ दो से चार तक तो यहां पर नाइन अपडेटेड लेटेस्ट वैल्यू यूज करना है नाइन प्लस जीरो प्लस थर्टीन नाइन प्लस थर्टीन ये होता है ट्वेंटी टू तो दूसरा आंसर ट्वेंटी टू बिल्कुल करेक्ट है तीन से तीन तक जोड़ दो जीरो से जीरो तक जोड़ना है जीरो होता है दो से पांच तक फिर से अपडेट करने का क्वेरी आ गया दो से पांच तक सभी को पांच से जोर कर दो ठीक है इतने को मुझे पांच से जोर करना है तो यहां पर नाइन जोर फाइव ये मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं अभी आप इस तरीके से कर सकते हो नाइन जोर फाइव ट्वेल्व जीरो जोर फाइव फाइव थर्टीन जोर फाइव एट एट और सेवन और फाइव टू ठीक है इनकी लेटेस्ट वैल्यू ये है और यहाँ पर सेवन पड़ा है ये भी कम्प्लीट हो गया एक से पाँच तक जोड़ दो सभी को पूरे बंदे को ही जोड़ के बताना है मुझे ठीक है सेवन टूवेल्व फाइव एट टू सेवन प्लस टूवेल्व प्लस फाइव प्लस एट प्लस टू ये होता है थर्टी फोर ठीक है थर्टी फोर बिल्कुल करेक्ट है एक से दो तक दस से जोर कर दो इन दोनों को दस सेजार करना है यहाँ पर वैल्यू हो जाएगा सेवन और टेन यहां पर हो जाएगा टूवेन ठीक है ये होता है थर्टीन और ये होता है सिक्स आखिरी क्वेरी एक से दो, दो से तीन तक सभी को जोड़ो दो से तीन छह प्लस पांच ग्यारह ग्यारह राइट यही काम आपको करना है इस पर कंस्ट्रेंस क्या क्या है तो कंस्ट्रेंस टेन की वैल्यू टेन पर फाइव टोटल कितने नंबर्स हो सकते हैं यहाँ पे तो टोटल यहाँ पर आ, एन की मैक्सिमम वैल्यू टेन रेस्ट पावर फाइव हो सकती है ठीक है और एक बंदा होगा ही होगा एटलीस्ट एक बंदा होगा एरे पे जो एलिमेंट्स हैं वो टेन रेस्ट पावर सिक्स तक जा सकते हैं मतलब इंटीजर रेंज पे ये फिट हो जाएंगे ए ऑफाइव लेस देन इक्वल रेस्ट पावर सिक्स ठीक है इंटीजर रेंज के अंदर है और नेगेटिव वैल्यूज भी नहीं है यहां पे जीरो इज लेस देन इक्वल्स टू नेगेटिव वैल्यूज नहीं मिलेंगे और इंटीजर रेंज पे ये फिट आ जाएगा आखिरी ऑपरेशन कितने क्वेरीज होंगे 10 रेस टू पावर 4 5 5000 क्वेरीज हो सकती हैं ओके ठीक यार, आ, है यार, परफेक्ट ये और यहाँ पर एक्स की वैल्यू भी 1 से लेकर के 10 रेस टू पावर 6 तक होगा ठीक है एक्स ऑफ आई, 10 रेस टू पावर 6 तक बेसिकली जो एरे एलिमेंट है उतने ही पे होगा राइट तो सारा कुछ इंटीजर पे फिट जाएगा और ये भी इंटीजर पे ही हो जाएगा ठीक है तो आप ट्राई करो सॉल्व करने को मिलते हैं सॉल्यूशन वीडियो पे ठीक है तो ब्रूट फोर्स अप्रोच इसे सॉल्व करते हैं पहले तो ब्रूडफोर्स को मुझे मेरे ख्याल से आपने गैस कर लिया होगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फोर्स अप्रोच का बेसिकली यहां पर जो अपडेट ऑपरेशन है या फिर वन एल आर बोलो तो ये भी लेफ्ट टू राइट सभी बंदों को अपडेट करना है या मतलब ये अपडेट नहीं है क्वेरी है ठीक है लेफ्ट से राइट right तक सभी बंदों को जोड़ना है तो ये काम ओ ऑफ एन का वर्स्ट कॉम्प्लेक्सिटी और जो अपडेट है टू एल आर एक्स तो एल से आर तक आपको सभी को जोर करना है राइट जोर ओ ऑफ एन भी हो सकता है और एल से आर तक सभी बंदों पे जाओगे तो ये भी ओ ऑफ एन का हो जाएगा ठीक है दोनों ही काम ओ ऑफ एन का तो ये टीएल है ठीक है हमें यहां पर क्या करना पड़ेगा तो कुछ ऑफ कोर्स रेंज पे काम हो रहा है तो रेंज क्वेरी के लिए सेगमेंट्री यूज कर सकते हैं ठीक है अभी देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या सेगमेंट्री पे अप्लाई कर पाएंगे हम लोग तो ठीक है बिल्कुल चार से लेकर के इतने बंदे हैं टोटल ठीक है देखो सबसे पहला जो क्वेरी है आ, वो क्या है सम का राइट एल से आर तक सभी बंदों को मुझे जोड़ना है ठीक है सम का क्वेरी ऑफ कोर्स पॉसिबल है सेगमेंट्री पे अगर आपको कुछ रेंज का पता हो जैसे ए बी सी डी ये एक रेंज है ठीक है अगर आपको इतने का पता है ए प्लस बी और इतने का पता है अलग अलग बिल्कुल सी प्लस डी तो अगर आपको पूछ जाता है कि यार इस पूरे पूरे का सम क्या है तो आप ऑफकोर्स इन दोनों को यूज करके बता सकते हो ठीक है ये रेंज का इंफॉर्मेशन प्लस ये रेंज का इंफॉर्मेशन को जोड़ के आप ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी ये बता सकते हो सम का काम तो हो जाएगा अपडेट क्वेरी uh, ये पॉसिबल है ठीक है क्या अपडेट पॉसिबल है इस पर तो आपको क्या करना है आपको जोर करना है एल से आर तक सभी बंदों को एक्स से यहां पर असली प्रॉब्लम शुरू होती है राइट right. सपोज कि अभी कुछ सेगमेंट है ए बी सी और डी ठीक है इसका ऑफ कोर्स जो आंसर है इसका आंसर ए प्लस बी सी प्लस डी और पूरे पूरे का आंसर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी ठीक है अगर मुझे बोला जाता है कि यार इस पूरे पूरे नंबर को जोर कर दो ठीक है तो इसका फ्यूचर में वैल्यू क्या हो जाएगा तो एक्चुअली इसको बनाने की जरूरत तो नहीं थी अभी आपको बस एक छोटा सा एग्जाम्पल देखना है राइट अभी ए प्लस बी का वैल्यू मान लो एस है ठीक है फ्यूचर पे ए जोर एक्स किया गया प्लस में बी जोर एक्स किया गया अब इसकी वैल्यू क्या होगी राइट यही हमारा प्रॉब्लम है और सेगमेंट ट्री पे हम लोग बेसिकली यहां पर रेंज पे अपडेट हो रहा है राइट

मुझे करंटली ए प्लस बी का वैल्यू पता है एस वन बोलते हैं इसे फाइव नहीं है ये एस वन और मुझे फ्यूचर वाली वैल्यू ए प्लस ए जॉर एक्स प्लस बी जॉर एक्स इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है यूजिंग दिस वैल्यू ठीक है शुरू शुरू में मुझे लगा था कि यार आ, कि अगर मुझे ए का वैल्यू पता है ठीक है ए का सम ए होता है तो ए जोर एक्स करने पे ये बिल्कुल ना नया वैल्यू हो जाएगा मतलब प्रीवियस वैल्यू पे ये थोड़ा भी डिपेंडेंट नहीं होगा ऐसा मुझे स्टार्टिंग में लगा था लेकिन ये भी इंटरनली देखो लोअर लेवल पे तो जोर एक मैथमेटिकल फंक्शन जैसा ही है राइट और जहां पर मैथ्स आता है वहां पर आप एंसर को प्रिडिक्ट कर सकते हो मतलब लॉजिक लगा के आंसर बना सकते हो पूरा पूरा ठीक है तो एक बार इस दोनों को एनालाइज करते हैं एक बंदे को सिर्फ और फिर मल्टीपल बंदों को एनालाइज करेंगे तो क्या क्या वैल्यू ले लेते हैं ठीक है तो लेट सपोज कि ए कोई नंबर है जो बाइनरी पे वन जीरो वन जीरो है ठीक है तो इसका सम भी जो होगा वो वन जीरो वन जीरो होगा राइट यहां पर ना इसको अगर आप ध्यान से देखो तो वन जीरो वन जीरो बेसिकली क्या है ये बंदा टू रेस्ट पावर जीरो कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है सम पे इसकी वैल्यू यही तो होती है टू रेस्ट पावर जीरो टू रेस्ट पावर वन टू रेस्ट पावर टू और टू रेस्ट पावर थ्री ठीक है जहां जहां पर वन है उनको जोड़ दो टू रेस्ट पावर थ्री प्लस टू पावर वन राइट ये इसका वैल्यू है आठ प्लस दो दस ठीक है जब भी हम जोर करते हैं ना तो जोर एक्चुअली में करता क्या है एक एग्जाम्पल वन जीरो से ठीक है तो यहां पर क्या होगा देखो आ, यहां पर यह बंदा जीरो है यह बंदा वन है दोनों डिफरेंट है तो वन दोनों सेम है तो जीरो यहां पर दोनों डिफरेंट हैं तो वन यहां दोनों सेम है तो जीरो सेम बंदे हैं तो जीरो हो जाता है डिफरेंट है तो वन है लेकिन आपको आप अगर इसी चीज को थोड़ा सा डिफरेंट एंगल से देखो तो आप यहां पर कुछ ऐसा बोल सकते हो ये ए है और ये एक्स है ठीक है जीरो और वन जीरो यहां पर बेसिकली आ, क्या हो रहा है ये जब बंदा जीरो होता है ना तो ऊपर पे जो वैल्यू है मैं बोल रहा हूं कि यार वो वैल्यू एज इट इज चेंज नहीं होती है फॉर एग्जाम्पल यहां पर देखो ये जीरो था और यहां पर ये यह जीरो है ठीक है ऊपर पे है, है, यहां पर वन है दोनों डिफरेंट है वन आ गया ऊपर यहां पर जीरो है दोनों सेम है जीरो आ गया ठीक है जब ये बंदा जीरो था तो ऊपर वाली वैल्यू जो भी थी वो आंसर थी राइट right? जब ये बंदा वन है तो ऊपर पे यहां पर जीरो है तो रिजल्ट आ जाएगा वन दोनों डिफरेंट है जब ये बंदा वन है तो ऊपर जो भी बंदा है वन उसको टॉगल कर देगा जीरो हो जाएगा राइट right. तो दूसरे टर्म से बोले जीरो पे कोई चेंजेस नहीं होता ऊपर वाले नंबर पे जब ये वन होता है तो ऊपर वाले नंबर को टॉगल कर देता है राइट right. तो जब भी मैं इस वैल्यू को किसी दूसरे नंबर से जोर करूंगा ये अभी मुझे इतना कॉन्ट्रीब्यूट करके दे रहा है टूरिस्ट पावर थ्री प्लस टूरिस्ट पावर वन क्योंकि उन दोनों प्लेसेस पे सिर्फ वन वन थे ठीक है तो अगर मैं इसको जोर करता हूं वन जीरो, वन जीरो से और जोर की वैल्यू वन, वन जीरो जीरो वन ठीक है तो मुझे ये पता है क्या ये जी पता है कि यार ए की करंट वैल्यू इतनी है राइट इसका जो सम है वो भी ऑफकोर्स इतना ही है ठीक है ये लिख सकते हो या फिर टू रेसिपर थ्री प्लस टू रेसि पार वन है राइट अब इस वाले नंबर पे दो पोजिशन पे वन है ना तो वो दो पोजिशन वाले बंदे टॉगल होने वाले हैं यहां पर जीरो है ये नंबर कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा था क्योंकि ये जीरो था ये बदल के वन होने वाला है वन होगा तो ये अब वैल्यू कंट्रीब्यूट करने लगेगा राइट वन जहां पर था वहां पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा यहां पर वन था तो टू इस पावर थ्री ठीक है यहां पर जहां पर इस, इस पे जीरो था वहां कोई फर्क नहीं पड़ेगा ये जीरो वैल्यू वन था यहां पर वो कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा था यह जीरो वैल्यू ऊपर पे भी जीरो है वो कंट्रीब्यूट पहले नहीं कर रहा था बाद में भी कंट्रीब्यूट नहीं करेगा ठीक है कंट्रीब्यूशन कहां पर बदलता है तो जहां जहां पर एक्स पे वन है यहाँ पर पे वन था तो ऊपर वाला वैल्यू बदल जाएगा यहाँ पर वो अभी जीरो है, नहीं कर रहा है तो अब ये कॉन्ट्रीब्यूट करने लगेगा ठीक है ये टू कौंट्रिण, कौंट्रिण करेगा। right. और यहाँ पर वैल्यू, वैल्यू कॉन्ट्रीब्यूट हो रहा था टूरिस्ट वन अब वो बदल के कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करेगा ये बेसिकली जीरो हो जाएगा। बगल वाले कोई फर्क नहीं पड़ेंगे यहां पर इधरों बदल जाएगा जीरो से वन हो जाएगा और ये वन से जीरो हो जाएगा ठीक है तो यहां पर जो प्लस टू रेस पॉवर वन आया था वो यहां से हट जाएगा ठीक है इसके टर्म्स में अगर आप देखो तो वन जीरो वन जीरो इसका वैल्यू टू रेस पॉवर थ्री प्लस टू रिस्ट पॉवर वन है इसी पे आप क्या करोगे इसी वैल्यू को यूज करने के लिए क्या करोगे आप जहां जहां पर वन है उनको चेंज करोगे ठीक है इन दोनों पोजिशन में बेसिकली चेंज करना है ये कॉन्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर रहा है तो आप इस पर प्लस कर दो टू रेस पावर टू ये कॉन्ट्रीब्यूट करना बंद कर रहा है तो पहले से इसका एक इंस्टेंस यहां पर पड़ा है उसको माइनस कर दो तो टूरिस्ट पर वन ठीक है तो प्रीवियस स्टेट के आंसर को आप यूज करके अपना आंसर बना लोगे ठीक है तो ये क्या हो जाएगा? ये टूरिस्ट पर थ्री प्लस ये दोनों बंदे हटके टूरिस्ट पर टू हो जाएंगे राइट right. लेकिन अभी तो हमने इसे एक बंदे के लिए देखा ठीक है right. सेगमेंट ट्री क्या करता है ऐसे मल्टीपल सेगमेंट से कहता है राइट ए बी सी डी और यहां पर ए प्लस बी सी प्लस डी और सबसे ऊपर पे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी जब मल्टीपल वैल्यूस होते हैं और बोला जाता है कि यार इन सभी को जोर कर दो एक्स से बेसिकली ये सभी बंदे बदल के a जोर एक्स होने वाला है b जोर एक्स c जोर एक्स डी जोर डीज जोर एक्स ठीक है तो आप क्या करोगे इन सभी का जो वैल्यू रखा हुआ है यहां पर ए बी सी डी इसको अपडेट करके नया वैल्यू बना लोगे जो जोर के इक्विवेलेंट हो से देखते हैं एक बार अब दो नंबर को लेते हैं मान लो ए पे वैल्यू पड़ा है वन जीरो वन जीरो सेम वैल्यू और बी पे वैल्यू पड़ा है ओके okay, ठीक है इनका जो सम होगा वो क्या होगा तो इसके वैल्यू को भी लिख लेते हैं तो इसका वैल्यू होता क्या है एट फोर टू वन तो ये एट प्लस टू टेन होता है ठीक है ये बंदा एक्चुअली टेन है और यहां पर ये क्या वैल्यू है तो एट प्लस फोर टूवेल्व है राइट इन दोनों का सामना ए प्लस बी इक्वल्स टू अभी ट्वेंटी टू पड़ा है ठीक है प्रीवियस वैल्यू मुझे पता है अब हम लोग जोर करने वाले हैं लेट सपोज एक्स की वैल्यू जीरो वन वन जीरो यही चीज है तो यहां पर यार फर्क नहीं पड़ेगा इसको थोड़ा सा बदलना पड़ेगा वन वन जीरो जीरो तो यहाँ पर मैं वन वन जीरो वन इससे ज़ोर करने वाला हूँ ठीक है तो ए बी अभी वैल्यू ये है ए जोर एक्स यहाँ पर क्या हो जाएगा और बी ज़ोर एक्स यहाँ पर क्या हो जाएगा तो ए ज़ोर एक्स ये बदल के हो जाएगा बेसिकली इन दोनों को जोर कर रहे हैं तो इन दोनों पहले पे पहले पोजिशन पे वन वन तो ज़ीरो हो जाएगा जीरो वन वन हो जाएगा वन जीरो डिफरेंट वैल्यू वन ज़ीरो वन यहाँ पर ये वन एक्चुअली इसकी हमें जरूरत नहीं है फिर से चलो ठीक है यार ठीक है देखो x पे आ, करेंट सम 22 है राइट ये बंदा किसको डिनोट कर रहा है तो टू रिस्ट पावर जीरो को टू रिस्ट पावर वन को टू रिस्ट पावर टू तू को टू रिस्ट पावर थ्री को ठीक है यहां पर वन पड़ा है मतलब ये दोनों बंदे टॉगल होने वाले हैं ठीक है ये करंटली वन थे ये करंटली कंट्रीब्यूट कर रहे थे आंसर ठीक है तो दोनों ही बंदे अभी अपना कॉन्ट्रीब्यूशन हटाने वाले हैं राइट तो माइनस टू रेस्त थ्री माइनस टू रेस्ट थ्री दो बार हट जाएगा वैल्यू या आप टोटल क्या बोल सकते हो इक्विवेलेंट माइनस टू इंटू टू रेस्त थ्री ठीक है ऐसा कुछ राइट दो बंदे हटा रहे हैं इसलिए अगेन यहां पर वन है तो ये दोनों टॉगल करेंगे एक दूसरे को ठीक है ये बंदा करंटली जीरो था ये वन हो जाएगा ये कॉन्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट करने वाला है तो टू रेस द पावर टू यहां पर जुड़ जाएगा ये बंदा वन है तो ये अपना कॉन्ट्रीब्यूशन हटा लेगा यहां पर माइनस टू रेस्ट द पावर टू हो जाएगा ठीक है जीरो पे कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा ये अगेन वन है तो टॉगल होंगे ये अपना कॉन्ट्रीब्यूशन लगाने वाला है क्योंकि ये जीरो था प्लस टू रेस्ट द पावर भी जीरो था तो ये भी अपना कॉन्ट्रीब्यूशन लगाएगा प्लस टू रेस द पावर जीरो ठीक है इसको सॉल्व करते हैं 22 माइनस ये कितना हो जाएगा तो टू इंटू टू रिज पावर थ्री ये हो जाएगा टू रिज पावर फोर टू इंटू टू फोर टू इंटू फोर फोर इंतु फोर इंटू फोर सिक्सटीन माइनस सिक्सटीन प्लस टू रिज पावर टू माइनस टू रिज पावर टू ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे ठीक है तो इसको मैं जीरो कर दे रहा हूँ इन दोनों का इक्विवेलेंट फिर अगेन प्लस पर टू पावर जीरो वन प्लस वन ठीक है इनको जोड़ने पे क्या वैल्यू आएगी ट्वेंटी टू माइनस सिक्सटीन प्लस टू एट हो गया एट वेरीफाई करना पड़ेगा इसे क्या यह करेक्ट है या करेक्ट नहीं है ए और एक्स की वैल्यू क्या होगी इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा ए और एक्स जीरो वन वन हो जाएगा जीरो वन वन हो जाएगा वन हो जाएगा जीरो वन वन दोनों सेम सेम तो जीरो हो जाएगा बीज और एक्स इसको देखते हैं जीरो वन डिफरेंट है तो वन ज़ीरो जीरो जीरो वन वन सेम बंदे ज़ीरो यहाँ पर वन वन सेम बंदे ज़ीरो ठीक है ये कौन क्या होता है ये सेवन होता है और ये होता है वन एट राइट ये परफेक्ट है ठीक है तो अब मुझे ये पता चल गया है आइडिया लग गया है कि यार मल्टीपल बंदे भी ये काम कर जाएगा राइट तो बेसिकली ओवरऑल लेके मुझे क्या जैसे मतलब है इस पर एक्स पे जहां जहां पर वन है ठीक है आप काउंट कर लो कि यार कितने बंदे जीरो और कितने बंदे वन हैं सिंपल है बात जितने बंदे वन हैं वो सभी कॉन्ट्रीब्यूशन हटाने वाले हैं तो टू रिज पावर थ्री इंटू काउंट ऑफ एलिमेंट इसको माइनस कर दो ठीक है और जितने बंदे जीरो हैं वो कॉन्ट्रीब्यूट करने वाले हैं तो टू रिस्क पॉवर थ्री प्लस में काउंट ऑफ बंदे जीरो वाले ठीक है काम करेक्ट है सो so, अभी सॉल्व करते हैं इसे सेगमेंट्री पे हम क्या इंफॉर्मेशन रखेंगे राइट तो एक बंदा सम तो हमें चाहिए ही चाहिए और मेरे सेगमेंट पे कितने बंदे वन या जीरो हैं वो भी मुझे चाहिए ठीक है तो अगेन चार बंदे को सिर्फ लेके जाके देखते हैं यहाँ पांच पे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा काम फोर टेन थ्री थर्टीन ठीक है फोर थ्री टेन और थर्टीन यहां पर एक सेगमेंट uh, बन जाएगा जो फोर का इंफॉर्मेशन डिनोट कर रहा है ठीक है इसके पास सम होगा चार और यहां पर वन uh, काउंट देखो आपको ना वन और जीरो दोनों को अलग अलग काउंट करने की जरूरत नहीं है राइट सेगमेंट के हर नोट को पता होता है कि यार मैं कितने बंदों को रिप्रेजेंट करता हूं राइट टोटल टो, अगर काउंट uh, टोटल अगर इतने बंदे हैं तो हर बंदा किसी भी एक पर्टिकुलर पोजिशन पे या तो वन रखा होगा एक जीरो रखा होगा ठीक है तो मैं वन का काउंट रखूंगा और वन का काउंट पता है तो काउंट बेसिकली वन का काउंट रखेंगे तो वन का हमें वन काउंट का कोई भी पर्टिकुलर इंडेक्स से वन का काउंट मिल जाएगा जीरो काउंट कितना है तो टोटल काउंट टोटल कितने बंदे हैं टोटल बी टोटल बी माइनस वन काउंट जीरो काउंट मिल जाएगा ठीक है तो काउंट वन सिर्फ इसको रखेंगे और सम को रखेंगे ठीक है तो चार पे एक्चुअली अब अगेन एक और प्रॉब्लम आता है कि यार आ, अगर मुझे बिट्स का सम रखना है काउंट रखना है तो कितने तक का रखना पड़ेगा ठीक है के okay. कितने बिट्स का मुझे इंफॉर्मेशन रखना पड़ेगा तो देखो यहां पर जो नंबर है वो टेन रेस्ट पावर सिक्स तक का नंबर है ठीक है और एक्चुअली मैं टेन रेस्ट पावर सिक्स तक के नंबर को सम कर रहा हूं हो सकता है कि सभी नंबर टेन रेस्ट पावर सिक्स हो और टोटल फाइव ये एक्चुअली लॉन्ग चला जाएगा ठीक है तो अब अगेन हमें सारा काम लॉन्ग में करना पड़ेगा लेकिन काउंट काउंट तो इन पर हो जाएगा ये सम इसका डेटा टाइप भी लिख देते हैं लॉन्ग और ये इंट का एरे होगा ठीक है अब कितने बिट्स का काउंट मुझे रखना पड़ेगा तो मैक्सिमम एक्स और ए ऑफ आई ये दोनों टेन रेस्ट पावर सिक्स तक गए हैं तो टेन रेस्ट पावर सिक्स का बाइनरी नंबर कितना होता है टेन रेस्ट पावर सिक्स बाइनरी ओके टेन टेन थ्री वन टू थ्री कन्वर्ट डेसिमल टू बाइनरी, ठीक है एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस और बीस ठीक है तो बीस बिट्स तक का मुझे इन्फॉर्मेशन रखना है बीस बिट्स का इन्फॉर्मेशन रखने के लिए बीस लेंथ का एरे यहाँ पर एक और फील्ड ही रख देंगे इसके लिए क्स बीट इक्वल्स टू ट्वेंटी ठीक है टोटल बीस बीट है राइट यहाँ एरे बन जाएगा ठीक है ये हो गया और four पे actually कहां -कहां पे एक्चुअली होता है तो फोर वन जीरो जीरो इसको भी देखो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे एरे पे तो बिट्स में बेसिकली हम लोग वन को शिफ्ट करके यहाँ पर इंडेक्सिंग जैसा कुछ लिखते हैं राइट वन शिफ्ट जीरो वन शिफ्ट वन One shift two. ऐसा कुछ होता है राइट तो अभी ना वन शिफ्ट जीरो करने से ये वन होता है शिफ्ट करने से वन जीरो जीरो करने से वन है. है? तो है. है? आया तो ये वाला बंदा आ, का जो भी वैल्यू है ये वाला बंदे का काउंट हम लोग जीरो इंडेक्स भी रखेंगे एरे के एरए इंडेक्स इंडेक्स टू थ्री फोर ठीक है तो यहाँ पर बिट अभी जीरो है तो वन कितने हैं तो वन एक भी नहीं है जीरो है ठीक है आ, वन को शिफ्ट किया एक बार तो वन ज़ीरो आ गया यहाँ पर कितने वन है तो जीरो वन है वन को शिफ्ट किया दो बार तो वन ज़ीरो जीरो आ गया इस पॉइंट पे कितने वन हैं तो एक वन है तो टू पे वन आ जाएगा ऐसा कुछ ठीक है ऐसा कुछ करना है हमें आ, इसको अफकोर्स ढंग से लिखना पड़ेगा ज़ीरो वन टू थ्री ठीक है अभी आई गेस ये सभी नंबर फिट आ जाएंगे चार बिट्स के प्लेस पे ठीक है तो काउंट फोर पे क्या है जीरो वन ज़ीरो ज़ीरो जीरो थे ज़ीरो वन है वन इंडेक्स पे ज़ीरो वन है टूथ इंडेक्स पे एक वन है और यहाँ पर ज़ीरो है ठीक है इसका काम हो गया कंप्लीट दूसरा सेगमेंट बनेगा तीन के लिए तो तीन के पास भी यही इंफॉर्मेशन होगा कि जगह नहीं बचने वाला अभी ये बंदा होगा थ्री के लिए थ्री का बैनरी जीरो जीरो वन वन यहाँ पर वन है एक बार एक बार जीरो बार जीरो बार ठीक है ये काउंटर रख लेंगे और फिर टेन मैं आपके व्यू पे आने वाला हूँ कि okay. और बंदा बन जाएगा यहाँ और टेन के लिए ठीक है टेन को रिप्रेजेंट कर रहा है टेन की बाइनरी वैल्यू वन जीरो वन जीरो तो सबसे पहले यहाँ पर जीरो वन फिर एक बार वन जीरो वन एक बार वन ठीक है अब अब सेगमेंट बना लेते हैं इसका ठीक है आखिरी बंदे को मैंने अभी नहीं लिखा इतने पे भी हमारा काम हो जाएगा दो बंदे का इंफॉर्मेशन यहाँ पर ये नोट रखने वाला है ये क्या इंफॉर्मेशन रखेगा तो एक्जैक्टली यही चीज़ रखेगा ठीक है ये सम रखेगा फोर प्लस थ्री सेवन और इनके बाइंड्री वैल्यूज तो इसके सेगमेंट पे जीरो इंडेक्स पे कितने बंदे आ, कितने बंदे के पास वन था यहाँ पर जीरो यहाँ पर वन एक बंदे के पास वन था वन इंडेक्स पे जीरो वन एक बंदे के पास वन था टूथ इंडेक्स पे वन जीरो एक बंदे के पास था जीरो 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 बंदे के पास था ठीक है अगेन ये वाला तो ऊपर आने वाला है राइट एक और सेगमेंट बन जाएगा पूरा पूरा इंफॉर्मेशन रखने वाला सात प्लस दस सत्रह तीन बंदे कितने जीरो इंडेक्स पे कितने बंदे के पास वन है तो वन जीरो वन 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 टू वन जीरो वन जीरो वन वन ठीक है एक बार के लिए ना बाइंड्री अपडेट ऑपरेशन बेसिकली करके देखते हैं एक बारी बस चार तीन और दस इसको तीनों बंदे को जोर करना है मुझे ठीक है किससे जोर करना है तो मुझे जीरो वन वन जीरो इस बंदे से जोर करना है ठीक है सबसे पहले मैं क्या देखूंगा कि यार अभी करंट का सम सेवनटीन है राइट जीरो इंडेक्स पे यहां पर जीरो है तो कोई भी डिफरेंस नहीं पड़ेगा ठीक है यहां पर कोई भी डिफरेंस नहीं पड़ने वाला यहां पर वन है तो अभी यहां पर डिफरेंस पड़ने वाला है ठीक है ये टोटल कितने बंदे को रिप्रेजेंट करता है तो इसके पास काउंट काउंट बी काउंट बंदे इक्वल्स तीन बंदे को रिप्रेजेंट करता है चार तीन और दस ठीक है अब अगेन बिट्स पे देखते हैं तो इस पोजिशन पे वन है यहां पर ये काउंट बता रहा है कि यार दो बंदों के पास अभी वन है राइट टोटल तीन में से दो के पास वन है वन का काउंट दो है और जीरो इसका मतलब क्या है थ्री माइनस टू इक्वल टू वन राइट दो बंदे कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट करने वाले हैं मतलब दो बंदे वन है ये होंगे, तो दो बंदे अपना कंट्रीब्यूशन हटाने वाले हैं ठीक है माइनस टू करने वाले हैं और एक बंदा कॉन्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करने वाला है प्लस वन और इसकी वैल्यू एक्चुअली में कितनी है तो टूरिस्ट पावर वन जो होता है आ, या फिर इसको देख लो टूरिस्ट पावर वन है ये राइट टूरिस्ट पार्ट वन नहीं है टूरिस्ट पार्ट वन ये है ये तो टूरिस्ट पार्ट टू है ठीक है इतना इंटू टूरिस्ट पार्ट टू तो बेसिकली ये माइनस वन इंटू टू रिस्ट पार्ट टू ये होने वाला है माइनस टू रिस्ट पार्ट टू ठीक है जीरो टूरिस्ट पवार वन गलती कर दी मैंने ये टूरिस्ट पार्ट टू नहीं टूरिस्ट पार्टन ही है ये टूरिस्ट पावर जीरो चेंजेस होने वाला है ये रिप्रेजेंट करता है टू रिस्ट पावर टू को और यहां पर कितने बंदे वन है अगेन ये वाला काम करते हैं वन का काउंट एक है तो जीरो का काउंट का टोटल तीन में से एक बंदा आ, एक है तो रिमेनिंग दो बंदे दो बंदे के पास जीरो पड़ा है वो कॉन्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करेंगे ठीक है टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन कितना बचेगा तो आ, जीरो बंदे स्टार्ट करने वाले हैं दो प्लस पे वो एक बंदे के पास वन था वो हटाने वाला है तो माइनस वन ठीक है टू माइनस वन इतना ओवरऑल आने वाला है और इफेक्ट कितना का पड़ेगा तो यहां पर ना टू रिस्ट टू का पावर था इनका टू तो रिस्ट पावर टू ठीक है ये हो गया वन इन टू टू रिस्ट पार्ट टू इतना टू रिस्तुपू इतना गेन होने वाला है वैल्यू अगेन यहाँ पर जीरो नहीं है तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा सत्रह माइनस टू एज वन टू प्लस टू एजार टू फोर ये हो गया सत्रह प्लस दो इक्व टू उन्नीस ठीक है एक बार देख लेते हैं गलती नहीं होगी तो सही होगा ये फोर जोर मैंने सभी को इस नंबर से जोर किया है ये कितना होता है अब वन जी जीरो वन वन ज़ीरो फोर प्लस टू सिक्स सिक्स ठीक है आ, मैं इसको यूज़ कर ले रहा हूँ फोर प्लस थ्री प्लस टेन सेवेंटीन था हमें पता है बिल्कुल अभी फोर जोर सिक्स इसको ब्रैकेट पे कर देते हैं प्लस पे थ्री जोर सिक्स प्लस पे टेन जॉर सिक्स नाइनटीन बिल्कुल करेक्ट आ रहा है ठीक है ये वैल्यू बिल्कुल सही है राइट इसको बना लेते हैं अब के सबसे पहला इनपुट क्या मिलेगा मैं ये सबसे पहला इनपुट यहाँ पे एन की वैल्यू मिलेगी फर्स्ट लाइन पे एन मिलेगा ठीक है तो इंट एन इक्वल्स टू टीज डॉट पार्स इंट इन डॉट रीड लाइन ठीक है एन का पता चल गया फिर अगले लाइन पे एन बंदे मिलेंगे एन बंदे एक इंटीजर रेंज ही होगा और मुझे एक ही हैंड में मिल रहे हैं तो स्ट्रिंग यूज करना पड़ेगा ओके इन डॉट डॉट स्प्लिट और फोर इक्वल टू जीरो से लेकर के एर ऑफ आई इक्वल्स टू इनपुट का आई इंडेक्स ठीक है, एरे बन गया एक्चुअली इसको स्टैटिक बना देते हैं ताकि सभी फंक्शन से एक्सेस कर पाए ठीक है और इसके साथ एक और बंदा बनेगा स्टैटिक इंट मैक्स बिट इक्वल्स टू ट्वेंटी ट्वेंटी बंदों को होल्ड करना है ट्वेंटी बंदों तक होल्ड करना है हमें ठीक है अगर वो कम पड़ेगा तो इसको एक से बढ़ा देंगे फिर बाद में सभी जगह कोड में चेंजेस नहीं करना पड़ेगा ऑल राइट नंबर भी ले लिया अब क्वेरी है इंट इक्वल्स टू क्वेरी हम मंगा लिया व्हाइल क्यू माइनस माइनस इज ग्रेटर देन जीरो क्या काम करेंगे क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलेगा तो पहले टाइप मिलेगा फिर एल आर मिलेगा ठीक है स्ट्रिंग में मिलेगा डॉट स्प्लिट स्पेस से टाइप होता है जीरो तिन पे टाइप के बाद एल होता है वन इंडेक्स पे आर होता है टू एथ इंडेक्स पे ठीक है और जब टी इक्वल इक्व टू वन होता है तो कुछ काम करते हैं एल्स टी इक्व टू टू होगा तो कुछ और काम करेंगे यहाँ पर हमें एक्स मिलेगा और वो होगा इनपुट के इंडेक्स नंबर तीन पे ठीक है ये काम हो गया कंप्लीट अब वर्क करते हैं ट्री बनाना पड़ेगा ठीक है तो हर ट्री पे दो बंदे होते हैं सम होता है और एक एरे होता है स्टैटिक क्लास पेयर सम होगा वो लॉन्ग तो चला जाएगा और जो फ्रीक्वेंसी है वो इंड पे रहेगी अकाउंट वन ठीक है अकाउंट वन एरे टाइप का बन जाएगा और कहाँ तक रखना है तो न्यू इंट मैक्स बिट ठीक है ये काम भी कंप्लीट हो गया कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं जरूरत पड़े तो एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और एक और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर इंट एस टू एस ठीक है ये काम भी हो गया Hmm. टाइप वन पे मुझे आ, बिल्ड मैंने बिल्ड नहीं किया अभी तक ट्री को तो आ, एक स्टैटिक ट्री बनाना पड़ेगा पेयर टाइप का स्टैटिक पेयर का एरे बन जाएगा ट्री और इस ट्री को यहां पर इनिशियलाइज़ कर देंगे एन की वैल्यू की बात ही कर देते हैं न्यू पेर, टोटल कितने बंदे होंगे तो फोर इन टू एन ठीक है और जब इनपुट लेने का काम कंप्लीट हो जाता है फिर यहां पर मैं उसको बिल्ड कर दूंगा वन इंडेक्स एरे पे कितने बंदे को रिप्रेजेंट कर रहा है ये तो ये जीरो से लेकर के एन uh, माइनस वन तक को रिप्रेजेंट कर रहा है ठीक है स्टैटिक वाइड बिल्ड रिकॉर्डिंग चल तो रहा है हाँ चल रहा है नोड स्टार्ट एंड अगर स्टार्ट इक्वल इक्वल टू एंड तो वैल्यू एरे ऑफ स्टार्ट है एरे ऑफ स्टार्ट ठीक है मैं क्या करूंगा ट्री ऑफ नोड इक्वल्स टू न्यू पेयर बनाऊंगा जिसपे मैं सम पास कर दूंगा इस बंदे को एरे ऑफ स्टार्ट वेल को पास कर दूंगा ठीक है लीफ पे मैं अभी एक और यहाँ पर फंक्शन बना लेता हूँ जब मुझे आ, ऐसा कुछ मिलेगा जब एस मिलता है तो मैं सारे बंदों को इस पर कहाँ कहाँ पर वन है वो काउंट कर लूंगा और अपने काउंट वन वाले पे रख दूंगा ठीक है तो बेसिकली फॉर इंट आई इक्वल्स टू जीरो से लेकर के आई लेस देन मैक्स बिट तक जाएंगे मास्क या अगर एस एंड मास्क ये ग्रेटर देन जीरो है तो बेसिकली एक बंदा वहां पर एग्जिस्ट करता है काउंट वन आई एथ इंडेक्स पे वन रख दो ठीक है तो मैंने बस ये वैल्यू दिया और वो यहाँ पर uh, उसके वन वाले को काउंट कर लेगा ठीक है अदरवाइज मिड इक्वल्स टू स्टार्ट प्लस एंड अपॉन टू बिल्ड कर दो uh, कितने को नोड इंटू टू लेफ्ट स्टार्ट से मिड तक बिल्ड कर दो नोड इंटू टू प्लस वन मिड प्लस वन से एंड तक ठीक है ये हो गया और फिर मैं क्या करूंगा दोनों का सम सारा कुछ काम करना पड़ेगा मुझे ठीक है ट्री ऑफ नोड इक्वल्स टू न्यू पेयर या फिर पेयर बना लेंगे एक अलग से फंक्शन देते हैं कैलकुलेट कैलकुलेट uh, या फिर बिना पैरामीटर वाला ये बन जाएगा ठीक है और थ्री ऑफ नोड डॉट सम इक्वल्स टू लेफ्ट का सम राइट right का सम लेफ्ट का सम और राइट right का सम थ्री ऑफ नोड इंटू टू डॉट सम प्लस थ्री ऑफ नोड इंटू टू प्लस वन डॉट सम और यहां पर मुझे काउंट करना पड़ेगा दोनों पे कहां कहां पे वन है एरे पे काउंट वन वाले पे एक्चुअली तो इसके लिए मैं अलग से अलग से फंक्शन ही कर लेते हैं ठीक है इसको दे देंगे ट्री ऑफ नोड कॉमा नोड लेफ्ट चाइल्ड दे देंगे ट्री ऑफ नोड इंटू टू प्लस वन राइट चाइल्ड दे देंगे लेफ्ट चाइल्ड राइट चाइल्ड दे दिया एक और कंस्ट्रक्टर पेयर लेफ्ट पेयर राइट ठीक है तो इसका सम क्या हो जाएगा लेफ्ट प्लस सम प्लस राइट डॉट सम और ये काउंट भी कर लेगा आई इक्वल्स टू जीरो से लेकर के आई लेस देन मैक्स बिट ठीक है यहाँ पर मैं काउंट करूँगा काउंट वन ऑफ आई इक्वल्स टू एल डॉट काउंट वन का आई एथ इंडेक्स प्लस आर डॉट काउंट वन का आई एत इंडेक्स ठीक है तो ये कंस्ट्रक्टर पूरा काम कर देगा ठीक है यार ये काम तो कंप्लीट हो गया राइट आ, अब हमें क्या करना है तो क्वेरी फंक्शन लिखना है बिल्ड कंप्लीट हो गया यहाँ पर लॉन्ग एंसर इक्वल्स टू क्वेरी एल आर एल से लेकर के आर तक का मुझे सम बता दो ठीक है तो क्वेरी फंक्शन पे स्टैटिक लॉन्ग क्वेरी इंट नोड इंट एल comma इंट आर एक्चुअली मुझे स्टार्ट और एंड भी बताना पड़ेगा तुम कहाँ से कहाँ तक तो रिप्रेजेंट करते हो स्टार्ट कामा एंड ठीक है ठीक अगर स्टार्ट इक्वल टू एंड हम लोग बिल्कुल लीफ पे आ गए हैं तो रिटर्न कर देंगे ट्री ऑफ नोड डॉट सम बिल्कुल करेक्ट एल्स अगर मैं पूरा पूरा रेंज पे आता हूं ठीक है बेसिकली लेफ्ट राइट के अंदर में आता हूं लेफ्ट इज लेस देन इक्वल्स टू स्टार्ट एंड 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 इज लेस देन इक्वल टू राइट तो यहां पर भी रिटर्न कर सकते हो ट्री ऑफ नोड डॉट सम और तीसरा केस हाफ ऑफ मिड इक्वल्स टू स्टार्ट प्लस एंड अपॉन टू और फिर लेफ्ट राइट -right दोनों का आंसर मैं जोड़ के रिटर्न कर दूंगा रिटर्न क्वेरी नोड इंटू टू वो स्टार्ट से मिड तक है कॉमा आर प्लस क्वेरी नोड इंटू टू प्लस वन वो मिड प्लस वन से लेकर के एंड तक है कॉमा आर ठीक है यहां से फालतू कॉल लगेगा एक तो अगर लेफ्ट राइट right से पहले हूं मैं एंड इज लेस देन एफ या फिर आर इज लेस देन स्टार्ट तो रिटर्न कर देगा जीरो ठीक है और यहां पर एक्चुअली मुझे प्रोपागेट करने की भी रिक्वायरमेंट पड़ती है जो अभी तक तो हमने देखा नहीं है इस क्वेश्चन पे ठीक है प्रोपगेट क्वेरी फंक्शन में बेसिकली मुझे यहां पे प्रोपगेट करना पड़ता है ये नोड स्टार्ट और एंड ठीक है अभी तक हमने लिखा नहीं इसे लिख लेंगे ठीक है यार अब दूसरा अपडेट यहाँ पर मुझे एक अब, लेजी एरे बनाना पड़ेगा प्रोपगेट का काम करने के लिए यहाँ पर मैंने प्रिंट भी नहीं किया आउट डॉट प्रिंट लाइन आंसर अपडेट वन वो बंदा जीरो से लेकर के एन माइनस वन तक होता है और एल से आर तक को अपडेट करना है बेसिकली जोर करना है एक्स से ठीक है नोड स्टार्ट एंड रेंज और एक्स स्टैटिक वाइट डेट नोड स्टार्ट एंड एल आर एक्स ठीक है अगर मैं लीव पे पहुंच गया स्टार्ट इक्वल टू एंड तो मैं सिंपली यार ट्री का नोड ही बदल दूंगा इक्वल्स टू न्यू पेयर और ओके okay. यहाँ पर प्रोपागेट करने की भी रिक्वायरमेंट पड़ती है प्रोपागेट कर देंगे फिर यहां पर प्रोपागेट के बाद चलो ठीक है कोई बात नहीं प्रोपोगेट कर लेंगे यहां पर लेजी वाला एरे पे क्या करेंगे हाँ यहीं पे हमें डिस्कस करना है लीफ है या फिर आप रेंज के अंदर हो ठीक है एल आर के अंदर हो आप एल इज इक्वल टू स्टार्ट एंड 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 इज इक्वल टू आर राइट यहां पर लेजी पे कुछ अपडेट करना पड़ेगा क्या अपडेट करना पड़ेगा तो देखो हो सकता है लेजी भी पहले से कुछ वैल्यू पड़ा हो राइट अगर ऐसा कुछ है ठीक है ये आपका ट्री है और ये आपका लेजी वाला एरे है राइट तो अगर ना यहां पर ए और बी पड़े हैं Suppose, यहाँ पर दो वैल्यूज पड़े हैं ए बी और इन दोनों को बोला गया है कि यार यहां पर ए और बी है और यहां पर पड़ा हुआ है एक्स ठीक है बेसिकली मतलब क्या है कि यार ये ना इतने को प्रोपगेट करना चाहता है ठीक है बेसिकली जो सबसे नीचे वैल्यू है वो बदल के ए जोर एक्स और बी जोर एक्स हो जाने चाहिए ठीक है ये हो जाना चाहिए यहां पर पहले से ही एक्स पड़ा हुआ है अब अगर मान लो कि दूसरे बार नया वैल्यू कोई आता है बोला जाता है कि यार ए और बी को ना दोबारा जोर कर दो एक्स टू से ठीक है तो यहां पर बाय डिफॉल्ट जीरो पड़ा था तब तो मैंने एक्स टू रख देना था राइट लेकिन इस पॉइंट पे यहां पर एक्स पड़ा हुआ है तो मैं क्या करूंगा देखो ये इनिशियली ए वैल्यू था ठीक है सबसे पहले बोला गया कि यार एक्स के साथ जोर कर दो ए तो बदल के ए जोर एक्स इतना वैल्यू हो जाता ठीक है यह वैल्यू हो जाना चाहिए हमने ऑफकोर्स अभी तक किया नहीं है राइट बाद में वापस से बोला जाता है कि यार तुम एक्स के साथ जोर कर दो तो ये जो रिजल्टेंट होगा उसको जोर करना है एक्स से ठीक है ये इसका फाइनल वैल्यू है दोनों जोर ऑपरेशन के बाद राइट ये वैल्यू को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ए जोर एक्स जोर एक्स स्क्वायर राइट जोर ऑपरेशन प्रायोरिटी देने से इंडिपेंडेंट है राइट right? पहले आप इन दोनों को जोर करोगे या फिर एक साथ किसी को भी कर दोगे इन दोनों को जोर करके एक से जोर कर दोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा राइट right? तो ए तो अभी भी नीचे आराम से बैठा हुआ है मैं क्या करने वाला हूं इस पॉइंट पे एक्स पड़ा है ना तो मैं अभी ए को तो नीचे छोड़ दूंगा मैं बेसिकली इस पॉइंट पे उसको बोल दूंगा कि यार तुम ना एक्स जोर एक्स वन इससे जोर कर दो अब ठीक है एक एग्जाम्पल लेट सपोज ए की वैल्यू वन जीरो वन जीरो थी इस सबसे पहले बोला गया कि तुम X से जोर हो जाना फ्यूचर पे X की वैल्यू ये है ठीक है तो A ज़ोर X जो है उसका वैल्यू आता जीरो जीरो वन वन ठीक है ज़ोर X लेटेस्ट वैल्यू ये हो जाता बाद में मुझे बोला है कि यार X इससे भी जोर करना है वन वन जीरो जीरो मान लो या फिर कुछ और लेना पड़ेगा चलो ठीक है यार यहां पर एक और वन कर देते हैं वन तो यहाँ पर भी बदल के ये वन हो जाएगा ठीक है वन वन ज़ीरो वन हो जाना चाहिए था और ये मेरा दोबारा से बोला गया कि एक्स टू से भी जोर हो जाओ ठीक है तो एज और एक्स अभी ये पड़ा है इसको एक्स डैश से जोर करेंगे तो वन वन ज़ीरो ज़ीरो ये हो जाएगा ज़ीरो 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 वन राइट अब ना इसको आप किसी भी ऑर्डर पे कर दो आप एक्स जोर एक्स वन कर दो और फिर बाद में जाके इसको ए से जोर करो ठीक है ये बेसिकली इक्वल होगा ए एजर एक्स और एक्स का जोर क्या होगा इन दोनों को जोर करोगे वन वन ये दोनों वन ये दोनों वन जीरो वन ठीक है तो अगेन अब एक को जोर कर दो इससे वन जीरो वन जीरो जोर वन जीरो वन वन ये हो गया वन जीरो 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 राइट अब एक्चुअली किसी भी ऑर्डर पे आप इसे करो यहाँ पैरामीटर लगा दो या यहाँ पैरामीटर कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा ठीक है तो यहां पर ना पहले से एक वैल्यू पड़ा होगा नोट पे पहले से कुछ वैल्यू पड़ा होगा मैं उसको जोर इक्वल्स टू कर दूंगा एक्स के फिर प्रोपाकेट कर दूंगा यहां पर भी जोर इक्वल्स टू कर दूंगा एक्स से और फिर प्रोपागेट कर दूंगा ठीक है राइट यहां पर आप चाहते हैं अगर तो करंट वैल्यू पे एक नया नोड भी रख सकते थे वहाँ पर ज्यादा काम नहीं करना पड़ता लेकिन कोई बात नहीं थोड़ा सा ही काम बढ़ गया तीसरा कंडीशन मिड स्टार्ट प्लस एंड अपॉन टू अपडेट करने बोल दो लेफ्ट और राइट दोनों को ही नोड इनटू टू स्टार्ट से मिड एल कॉमा आर कॉमा एक्स और अपडेट करने बोल दो नोड इनटू टू प्लस वन को मिड प्लस वन से एंड एल कॉमा आर कॉमा एक्स ठीक है इस पॉइंट पे यार एक फालतू कॉल लगेगा लेकिन प्रोपोगेट करना जरूरी है मेरे चाइल्ड नोड को राइट तो प्रोपोगेट पहले होगा बाद में मैं फालतू कॉल को हैंडल करूंगा ठीक है तो एंड इस लेस देन एल हो गया या फिर आर इस लेस देन स्टार्ट हो गया तो कोई काम नहीं करना राइट यहां पर मुझे खुद को अपडेट करना पड़ेगा अपडेट हम कैसे करेंगे तो थ्री ऑफ नोड इक्वल्स टू न्यू पेयर कर दो ऑफ नोड इंटू टू लेफ्ट चाइल्ड Tree ऑफ नोड इंटू टू प्लस वन राइट चाइल्ड ठीक है वो एक नया पेयर बना के सारा कुछ अप टू डेट कर देगा ठीक है काम कंप्लीट हो गया क्वेरी पे आ, इस चीज को हम ऊपर नीचे कहीं पर भी लिख सकते हैं ठीक है वहां से डिफरेंस नहीं पड़ेगा राइट सारा कुछ काम कंप्लीट हो गया प्रॉपर गेट को छोड़ के स्टेटिक वाइड प्रबगेट नोड स्टार्ट और एंड और राइट एक लेजी आर एजियर बना दो यहां पर new int 4 n का ठीक है प्रोपेगेट पे क्या करेंगे सबसे पहले तो यार अगर ये वैल्यू 0 होगा लेजी पे अगर लेजी ऑफ नोड इक्वल इक्वल टू 0 तो zero से ज़ोर करना है कुछ थोड़े करना है हमें रिटर्न स्टार्ट इक्वल्स टू एंड होता है तो एक बंदे को ही सिर्फ मुझे प्रोपेगेट करना है राइट right? एक बंदे को किसी पर्टिकुलर वैल्यू से मुझे प्रोपेगेट करना है तो यहां पर पता है क्या कर सकते हैं चाइल्ड को तो कुछ वैल्यू नहीं देना खुद के नोड को अपडेट कर सकते हैं या फिर चलो ठीक है यार देखो यहां पे इस वाले नोड को बोला गया कि यार अपडेट करके फोर्स और एक्स कर दो ठीक है तो मैं क्या करने वाला हूं फोर्स और एक्स जो भी वैल्यू होगा वेल well, इस नोट को ही मैं बदल दूंगा पूरा पूरा ठीक है इस नोट को ही पूरा मैं वैल्यू वाले से बदल दूंगा तो जो लीफ होता है ये इन इक्वल्स टू करंट वैल्यू जोर लेजी वाला वैल्यू तो करंट वैल्यू क्या होगा इसका ट्री ऑफ नोड डॉट सम सम पे करंट वैल्यू पड़ा है और ये सम लॉन्ग टाइप का है ये थोड़ा सा दिक्कत है चलो कोई बात नहीं एक अकेला बंदा है ये हमें पता है तो इसको हम लोग एंट कर सकते हैं ठीक है टाइप पास करना यहां पर सेफ होगा फिर इसको जोर कर देंगे लेजी ऑफ नोड से और फिर लेजी ऑफ नोड इक्वल्स टू जीरो कर देंगे ठीक है अब मैं क्या करने वाला हूं तो ट्री ऑफ नोड पे नया पेड़ लगा दूंगा इस वैल्यू एक्स के साथ राइट ये काम कंप्लीट हो गया दूसरा काम एक्स इक्वल्स टू लेजी ऑफ नोड लेक्वल्स टू जीरो एक्स मुझे लेफ्ट राइट right को भी देना है और खुद का भी काम करना है तो लेजी ऑफ नोड इंटू वन इंटू टू सोर इक्वल्स टू एक्स और लेजी ऑफ नोड इंटू टू प्लस वन लेफ्ट राइट दोनों को दे दिया अब मुझे खुद का काम करना है ठीक है तो करेंट सम कितना है लॉन्ग सम इक्वल्स टू थ्री ऑफ नोट डॉट सम अब मैं करूंगा। यहां पर मुझे क्या क्या काम करना था तो हमारा बिल्कुल बेसिक वाला काम या इसमें जहां जहां पर वन है वहां पर मुझे कुछ काम करना है राइट जहां पर वन था काउंट देखो उस इंडेक्स पे कितने वन हैं और कितने जीरो हैं ठीक है फिर जीरो माइनस वन काउंट इनटू जो भी टू का पावर वो कंट्रीब्यूट करता था उतने को हम ऐड करते जाएंगे मास अगर इसके पास जो एक्स पे जो करंट बिट है एक्स एंड मास्क ग्रेटर देन जीरो है तो मुझे काम कुछ काम करना है ठीक है यहां पर क्या काम करेंगे तो अभी और नोड uh, पे सम पड़ा हुआ है मैं काउंट करूंगा वन को वन इक्वल्स टू थ्री ऑफ नोड डॉट काउंट वन आईएत इंडेक्स का ठीक है आई इंडेक्स का मुझे काउंट पता चल गया काउंट ज़ीरो इक्वल्स टू ये टोटल कितने बंदे को रिप्रेजेंट करता है तो एंड माइनस स्टार्ट प्लस वन माइनस वन इतने बंदे ज़ीरो हैं ठीक है डिफरेंस कितना का है लॉन्ग डिफरेंस या फिर आप, आप कितने का कॉन्ट्रीब्यूशन होने वाला है ज़ीरो माइनस वन इतने का कॉन्ट्रीब्यूशन होने वाला है ठीक है और फिर मैं सम पे इसको ऐड कर दूंगा प्लस इक्वल्स टू डिफरेंस इनटू अब यहाँ पर टू के कितने पावर का ये वैल्यू था ये वैल्यू टू के कितने पावर को होल्ड करता था देखो जो जीरो इंडेक्स था वो टू रेस्ट पावर जीरो रखता था वन इंडेक्स था टू रिस्ट पावर वन रखता था इंडेक्स था तो टू रेस्ट पावर टू रखता था बेसिकली आई टू रिस्ट पावर आई आईएत इंडेक्स टू रेस्ट पावर आई रखता है ठीक है और इसकी वैल्यू कितनी होती है तो इसकी वैल्यू हमारे जितनी मास की वैल्यू उतनी है पावर आई इसको मुझे मास्क से मल्टीप्लाई करना है ठीक है यहां पर सम तो अपडेट हो जाएगा जब ये लूप कंप्लीट हो जाएगा तो मैं अपने एक्चुअल ट्री के सम को चेंज कर दूंगा ट्री ऑफ नोट डॉट सम इक्वल्स टू सम ठीक है सारा काम कंप्लीट हो गया चला के देखते हैं इसे अब वन फोर्टी वन एक सौ नौ आई एन डी लिखा है मैंने इंट वन फोर्टी वन यहाँ क्या गलती हो सकता है कैनॉट फाइंड सिंबॉल स्टार्ट एंड यहाँ थोड़े होता है यहाँ तो जीरो और एन माइनस वन होता है गलत आंसर कहाँ पे गलत है सेकंड क्वेरी पे ये गलत हो रहा है राइट right, तो इसको देखना पड़ेगा गलत क्यों है uh, देखो एक गलती तो मैंने क्या कर दिया है uh, इस पर इंडेक्सिंग गलती। ये जो एलिमेंट्स थे वन इंडेक्स टू इंडेक्स थ्री इंडेक्स ऐसा कुछ था राइट जब लेफ्ट और राइट right बोला जाता है मान लो टू और थ्री, तो दो से तीन तक इतने का मुझे काम करना था ठीक है आ, लेकिन एक्चुअली मैं मैंने एरे पे से ना जीरो इंडेक्स पे स्टोर किया हुआ है ठीक है तो मेरे एक्चुअल एरे पे जीरो वन टू थ्री फोर ये इंडेक्स है ठीक है तो लेफ्ट जो टू को रिप्रेजेंट कर रहा है वो एक्चुअली मेरे लिए वन है राइट right जो थ्री को रिप्रेजेंट कर रहा है वो मेरे लिए एक्चुअली टू है ठीक है तो लेफ्ट राइट वैल्यू जो भी होगी उस पर एक घटा के हम काम करेंगे आप लेफ्ट जो भी है माइनस वन राइट जो भी है माइनस वन फिर नीचे एक्जैक्टली exactly जो काम था वो नहीं बदलेगा अभी एक्सेप्टेड आ रहा है राइट दूसरे टेस्ट केस को भी देख लेते हैं थर्टी एट ट्वेंटी एट थर्टी एट ट्वेंटी एट राइट तो इस कोड को सबमिट करते हैं क्वेश्चन है ई रॉन्ग आंसर ऑन टेस्ट केस नाइन अब देखना पड़ेगा कहां पे ये फंस रहा है सेकेंड बंदा डिफरेंट हो गया इसको डिब्बक भी नहीं कर सकते ठीक है यार कोड पे ही देखना पड़ेगा कहाँ पे गलती की है ठीक है यार एक गलती मिल गई मुझे प्रॉपर फंक्शन कंप्लीट नहीं था देखो ओके यहाँ पे अगर आपको बोला जाता है ना कि इससे आपको जोर करना है अपने नीचे के सभी बंदों को राइट यहां पर जैसे सेकेंड इंडेक्स को ले लो ये क्या करेगा सभी बंदों को जोर करके चेंज कर देगा राइट जो जीरो था उसको वन कर देगा जो वन था उसको जीरो कर देगा ठीक है मैंने ये तो कैलकुलेट कर लिया कि यार सम पे कितना इंपैक्ट पड़ेगा लेकिन मैंने एक्चुअली ना अपने डेटा को अपडेट नहीं किया राइट वन इंडेक्स पे जीरो और वन चेंज होने वाले हैं तो जीरो इंडेक्स ये वन एथ इंडेक्स यहाँ पर टोटल दो बंदे के पास वन है राइट right? यहाँ पर ये एक्चुअली डेटा जो है वो इस इंडेक्स का है टू इंडेक्स का ठीक है टू इंडेक्स पे एक बंदे के पास वन है और दो बंदों के पास जीरो है सभी बदलने वाले हैं ठीक है तो काउंट वन पे वन कितने बंदों के पास होगा जो जो जीरो थे वो बदल के वन हो जाएंगे राइट right. तो मुझे बेसिकली इस बिट को भी अपडेट करने की रिक्वायरमेंट थी राइट right? मैंने सम को तो अपडेट कर लिया इस बिट के काउंट को वन बिट वाला काउंट को अपडेट नहीं किया मैंने यहीं पे प्रोपागेट फंक्शन पे जब हम लूप पे काम करेंगे जीरो पे तो कोई भी चेंजेस नहीं होता जब मुझे वन मिलेगा ठीक है तो मैं क्या करूंगा ट्री ऑफ नोड डॉट काउंट वन के आई एथ इंडेक्स को अपडेट कर दूंगा कि यार जो आई बेसिकली अभी था जीरो इतने बंदे वन बनने वाले हैं राइट एक लाइन का गलती था सिर्फ इसको लेकिन फिर भी टेस्ट तो करना ही पड़ेगा ओके। थर्टीन सेवेंटीन टेस्ट केस ट्वेंटी थ्री थर्टी वन ये स्कोर चल रहा है इंडिया क्रिकेट मैच का और सभी जीत गए ठीक है तो कंप्लीट हो गया ये आ, ये जो टाइम लिमिट है टाइम टू वन टू जीरो मिले सेकेंड इसको आप रेड्यूस कर सकते हो थोड़ा जैसे पहले रेड्यूसर कम उसे कंपेरिजन पे ये फास्ट आयो की वजह से है यहाँ पर मैंने बेटर फास्ट आयो यूज़ किया था और यहाँ पर थोड़ा सा खराब फास्ट आयो है बफर रीडर और प्रिंट रीडर ठीक है इससे भी बेस्ट अच्छे होते हैं पहले वाला उसे सबमिटेड सबमिट नहीं था ठीक है यार तो आई होप आपको ये समझ आया होगा और आपको बिट पे सेगमेंट्री यूज़ करके मजा आया होगा ठीक है तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन पे थैंक्स फॉर वॉचिंग अगर आपको ये समझ आया हो तो हम इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें